झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के विधायक प्रत्याशी मोतीलाल सरकार के द्वारा एक सीट पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया। राजमहल में सोमवार को राजमहल विधानसभा क्षेत्र संख्या 01 से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के प्रत्याशी मोतीलाल सरकार के द्वारा एक सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं सैकड़ों महिला पुरुष समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा। सर्वप्रथम समर्थकों के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर मंडई स्थित मां पगली दुर्गा मंदिर परिसर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के पश्चात समर्थकों के साथ राजमहल अनुमंडल कार्यालय में नामांकन किया गया। साथ ही गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर समर्थकों के बीच सभा को भी संबोधित किया। वहीं मोतीलाल सरकार के द्वारा बताया गया कि जीतने के बाद पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन समस्याओं का निदान किया जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों महिला पुरुष एवं युवा समर्थक उपस्थित थे। राजमहल से सागर सुमन की रिपोर्ट। स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, पानी के मुद्दा है, सारी मुद्दाएं हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र में। एक भी मुद्दाओं का निदान नहीं हुआ है। मैं अगर चुनाव में हमारी जनता अगर आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले मेरा ये प्राथमिकता रहेगी कि तीन चीज मेरा मुख्य मुद्दा है। पहले किसानों की समस्या, जो पानी की समस्या है। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया, क्योंकि मैं पारा शिक्षक से रिजाइन दिया हूँ। आज एजुकेशन सिस्टम किसी भी सरकार आया है, चाहे वो जेएमएम की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, आज सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। एक विद्यालय में एक शिक्षक नहीं है, एक एक विद्यालय में एक एक शिक्षक मात्र है। मैं भोगा हूँ 21 वर्षों तक, मैं उसको सर्वप्रथम उसको ध्यान दूंगा। अब तीसरा नंबर, यहाँ की जो समस्या आम समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, राजमहल में स्वास्थ्य का देख लीजिए सर, मेरा आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। एक भी डॉक्टर अच्छा नहीं है, एक भी ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की समस्या नहीं उत्पन्न हो पाया है। तो मैं अगर यहाँ से जनता आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनने जा रही है झारखंड में, और निश्चित तौर पर एक एक मुद्दा पर जन समस्या जो भी है वो एक एक समस्या को हम लोग निदान करेंगे। अच्छा, आप जिस पार्टी से आते हैं वो भाषा खतियानी आंदोलन की तरफ से वो उनका उदय हुआ उस पार्टी का, इस क्षेत्र में जो साहेबगंज जिला है इसमें इसका कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है? एक्चुअली आपको दिखता होगा, ये प्रभाव तो समूचे झारखंड में है, राजमहल की बात नहीं मैं करता हूँ, संपूर्ण झारखंड में है। और ये एक बिगुल है राजमहल में आने वाला। झारखंडी बिहारी की आप लोग बात करते हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है बिहारियों से भरा हुआ है। नहीं देखिए, वो फिर आप उससे वोट मांगने जाएंगे? जी वोट मांगने के जरूर मांगेंगे। वो बिहारी और झारखंडी सिर्फ उनके लिए है जो कि यहाँ का वास्तविक मूलवासी नहीं होंगे। अगर मूलवासी है तो बिहारी भी हमारे भाई है, क्योंकि बिहार से मैं आया हूँ। बिहार और झारखंड तो एक ही रहा है 2000 पर से पहले। मैं भी बिहारी था, हम बिहारी से घिरना शुरू करते हैं। खतियानी नहीं है यहाँ से? जी खतियानी है, 1926 का रिकॉर्ड मेरा है, मेरे दादा परदादा का। जीत के लिए आप कितने प्रतिशत अस्वस्थ हैं? मैं 110% अस्वस्थ। जयराम महतो का प्रोग्राम, जयराम महतो का प्रोग्राम इलेक्शन के 2-3 दिन पहले अवश्य होगी। आज आना था उनको, क्योंकि वहाँ हमारे सभी प्रत्याशियों का नामांकन होना था वहाँ, इसलिए उनका आना नहीं हुआ। लेकिन चुनाव के बीच में एक रोड शो होगा, जबरदस्त रोड शो होगा साहेबगंज। जिसके साथ क्या करेंगे, जिसके साथ तो हम जनता का सेवा के लिए आए हैं, सेवा करेंगे। टकराव होने जा रहा है आपका, आप अपने प्रत्याशी? मेरा टकराव कहीं से नहीं है, मैं एक छात्र मैं कैंडिडेट हूँ, जो कि मैं एक नंबर में चल रहा हूँ और एक नंबर में चलूंगा। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।